सलाम। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। थैंक यू सर। पेज नंबर 36 खोलिए। आज हम जिस श्रृंगार रस की कविता का अध्ययन करेंगे उसका शीर्षक है आई लव यू। कविता का भाव क्या है? सब लड़के तुम पर ही लाइन मारते हैं। कविता में कवि का दृष्टिकोण क्या है? सब तुम्हारा फिगर देखते हैं। और नायक के मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं? मैं ही तुम्हारा सच्चा आशिक हूँ। आदित्य आप क्या कर रहे हैं? यस नथिंग नथिंग सर। पढ़ाई पर ध्यान दो। ओके ओके सर। हेलो वहाँ पे देना सर। हाँ तो कविता की अंतिम दो लाइनें देखिए। हेलो ये लेकर लो। आदित्य स्टैंड अप। यस सर। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर। सिट डाउन। थैंक यू सर। क्या तुम बता सकते हो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? नायक और खलनायक के बारे में सर। अबे अबे क्या कर रहा है? साइलेंस। आदित्य मैं फिर कहता हूँ पढ़ाई पर ध्यान दो। सॉरी सर। तेरी तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे लेटर लिखने की? मुझे भी अपने जैसा मामू समझा क्या? What's the matter, शेखर? चिल्ला क्यों रहे हो? सर, आदित्य ने मुझे ये गंदा लेटर लिखा है। देखिए सर। क्लास के बाद मुझे बाहर मिलना आई लाइक यू वेरी मच। इसका मतलब ये गे है। ये बीमारी तुम्हें कब से है? सर ये लेटर तो मैंने। कोई बात नहीं, होता है होता है। इस पीरियड के बाद मुझे स्टाफ रूम में मिलना। चलो सब लोग पढ़ाई पर ध्यान दो। बस आज के लिए इतना ही काफी है। सी यू टुमारो। थैंक यू सर। मुझे थोड़ा काम है घर पे तो मैं निकलती हूँ। ओके ठीक है। तू नोट्स लेके आ जाना घर पे। ओके ठीक है। चल बाय। बाद मिलते हैं। हाँ घर आ जाना और नोट जरूर ले आना। ओके बाय। टेक केयर। बाय। चलती हूँ मैं। ठीक है कल मिलते हैं। अच्छा बाय। बाय। चल जल्दी। क्या हुआ? लिसन, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। कैसा फेवर? एक्चुअली ये लेटर रितु तक पहुंचाना था। तुम पहुंचा दोगी प्लीज? ओके नो प्रॉब्लम। समझ लेना ये रितु तक पहुंच गया। थैंक्स प्रिया। चल बाय। बाय। अरे प्रिया। क्या हुआ? तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? एक्चुअली मैं तुम्हें लेटर देना चाहता था। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे लव लेटर दे रहा है? और वैसे भी तू तो लड़कों में ज्यादा इंटरेस्टेड है ना, फिर तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? ये लेटर तुम्हारे लिए नहीं। तो किसके लिए है? ये रितु के लिए। एक्चुअली क्लास में मैंने ये लेटर रितु को पास करने के लिए दिया था, लेकिन बाय मिस्टेक ये लेटर शेखर तक जा पहुंचा। प्रिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ओके तो ये बात है। नो प्रॉब्लम, बोल क्या करना है? ये लेटर रितु को दे देना। अच्छा तो तू भी रितु से प्यार करता है? तू भी का मतलब? क्या तू भी रितु से प्यार करती है? Shut up, you idiot. ये मैं पहुंचा दूंगी। You go to hell. Thanks.
अब तक नोट्स लाई है क्या? डार्लिंग नोट्स वोट छोड़, मैं तेरे लिए रिश्ते लेके आई हूँ। व्हाट क्रैप, भांग पी के आई है क्या? भांग का नशा तो अब तुझ पे चढ़ने वाला है। मजाक छोड़, बी सीरियस, बोल क्या लाई है? जाने मन, मैं तेरे लिए प्यार का तोहफा लाई हूँ, ये ले। क्या हुआ? Yes, yes, yes. Can you believe it? Who wrote this love letter? जिससे मैं दिल ही दिल में प्यार करती थी, उसने आज मुझे खुद सामने से प्रपोज किया। You love me, and I love you too. तू खुश है ना? मैं बहुत खुश हूँ। चल, मैं तेरी खुशी को और डबल कर देती हूँ। क्या मतलब? डबल मतलब डबल, यानी कि एक लव लेटर के साथ दूसरा लेटर फ्री, ये ले। ये क्या है? दूसरे आशिक का तोहफा। कौन है वो, किसने दिया ये? खुद ही खोल के देख लेना। नहीं प्रिया, मुझे नहीं चाहिए। मुझको जो चाहिए वो मेरे पास है, एंड आई एम सो हैप्पी। अच्छा, हाँ, कौन है वो बताओ। ओ, चल ठीक है, तू सपने देख, मैं चलती हूँ। थैंक्स सो मच मेरा काम करने के लिए, कल मिलते हैं। चल बाय। चल बाय। बाय। मेरा एक छोटा सा काम करेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पिक्चर के शो की दो टिकट्स निकाल लेना, और वो भी कॉर्नर वाली। हाँ हाँ, अभी के शो की, मैं वहाँ आ रही हूँ। ओके ओके, बाय। थैंक्स गॉड। हाय प्रिया। हाय। कहाँ से आ रही हो? मैं रितु के घर गई थी, तू कहाँ जा रहा है? मैं टोनी के घर जा रहा हूँ। अरे हाँ, टोनी से कह देना मैंने उसका लेटर रितु तक पहुँचा दिया है। ओके। शेखर, तेरी ड्राइंग अच्छी है ना? अरे अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। सारे साइंस के स्टूडेंट्स डायग्राम्स मुझसे बनवाते हैं। मुझे काफी डायग्राम्स बनवाने हैं, क्या तू मेरे लिए बनाएगा? क्यों नहीं, बना दूंगा ना, बोल कब बनाना है। आजकल मैं जब भी टाइम मिले मेरे घर आ जाना। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं चलूं? प्रिया, मुझे तुमसे एक्चुअली एक बात कहनी थी। बोल, क्या बात है? प्रिया, ये तुम्हारे लिए। क्या है? अच्छा, तो ये बात है। ए प्रिया, आई लव यू। देख कमीने, अगर मेरे तीन गिनने तक तेरी रिंग नहीं बजी और रितु का हाँ में जवाब नहीं आया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? 1 2 3। हेलो 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 हेलो, तू यहीं रुक, तेरी तो मैं आके खबर लेता हूँ। अबे आ रहा हूँ आ रहा हूँ, चिल्लाता क्या है? अरे सुनील, तू पाजी। अबे 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 अबे, चादर छोड़ क्या कर रहा है? मैं क्या लड़की हूँ क्या? अगर तू लड़की होता तो तेरा चुम्मा थोड़ी लेता। अच्छा, तो क्या करता बे? तेरी कर डालता। अबे तेरी तो क्यों मैं कमीना, बहुत खुश लग रहा है। तेरी बहन की टोनी, गाली नहीं, गाली नहीं। अरे गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ तेरी बहन की शादी है क्या? मेरी नहीं, तेरी बहन की शादी है मेरे साथ। अच्छा, कौन सी बहन की? प्रिया की। अच्छा, तो तूने उसे पटा लिया? गुड।
हाँ मैंने उसे पटा लिया आसानी से, यू नो। आसानी से कब और कैसे? बस अभी पटा के ही आ रहा हूँ, सोचा तुझे भी तो बता दूं, आखिर तेरी बहन है यार। तुझे तो मालूम है ना मैं कितना बड़ा चोर हूँ। जानता हूँ जानता हूँ। अच्छा मेरी छोड़, अपनी बता, तेरे उस लेटर का जवाब आया क्या? नहीं यार, अभी तक फोन नहीं आया। ये फोन की तो मैं वाट लगा दूंगा। हेलो हेलो। अबे हंस क्या रहे? अबे फोन उधर है। हेलो ओके बाय ओके। क्या बात है यार, बड़ी देर हो गई, टिकट लेके भी आ गया, रितु क्यों नहीं आई यार? हाय हाय, हाउ हैव यू बीन? फाइन। क्या बात है यार, बड़ी देर कर दी तुमने आने में, कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। सो सॉरी। अच्छा टिकट कहाँ है? जस्ट वन मिनट। हेलो, कहाँ है यार, जल्दी आओ। हाँ बाबा आ रही हूँ, टिकट तो ले लूं। ये रही तुम्हारी टिकटें। थैंक यू, यू सच अ डार्लिंग। ओके बाय, सी यू। कम ऑन रितु, बी फास्ट क्विक। आ रही हूं बाबा, हैव पेशेंस। कम ऑन, चलो चलो गेट गोइंग। कम ऑन, बाय। Yes, come in. Hi Aditya. अरे प्रिया तुम? हाँ, एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा। अरे मेरा लेटर तुमने रितु तक पहुँचाया? हाँ नहीं, एक्चुअली क्या हुआ? Come on प्रिया, tell me क्या हुआ? एक्चुअली तेरा लेटर रितु ने पढ़ा ही नहीं, ऐसे ही वापस कर दिया। ये ले तेरा लेटर। अच्छा हुआ। क्या? मैं समझी नहीं। अच्छा हुआ कि उसने ये लेटर नहीं पढ़ा, वरना उसे भी मालूम पड़ जाता कि मैं उससे कितना। टोनी के साथ खुश है वो, और मैं जिंदगी भर उसे उतना ही खुश देखना चाहता हूँ। और तेरा क्या होगा? मेरा क्या, हम तो अच्छे फ्रेंड्स थे और हमेशा रहेंगे। यू आर अ गुड बॉय आदित्य। इट्स ओके, तो मैं चलती हूँ। यू टेक केयर, बाय। ओके बाय। जाने मन, कल का क्या प्रोग्राम है? व्हाट? क्या प्रोग्राम है? कॉलेज जाना है शरीफ बच्चों की तरह। और उसके बाद? घर पे। तुम्हारे घर या मेरे? नो, अपने अपने घर पे। बहुत लेट हो गई हूँ, मैं चलती हूँ। अरे ये क्या लगा है? ओ शिट, क्या ये 10? हाउ मीन यू स्काउंडल, लीव मी। ओके बाय बाय। अंदर आ जाओ। हाय प्रिया। हाय। कहाँ तक पहुँचे तुम्हारे डायग्राम्स? यार देखना ये बोरिंग सी डायग्राम। तू छोड़, बाकी का मैं कंप्लीट कर देता हूँ। चाय पिएगा?
नहीं थैंक्स, बाकी सब कहाँ हैं? मम्मी पापा शादी में गए हैं, लेट आएंगे। आ मैं तुझे डायग्राम्स बनाना सिखा देता हूँ। पापा आने वाले हैं। अच्छा तो डायग्राम्स पापा बनाएंगे? पापा तेरा टेलीग्राम बना देंगे, डायग्राम फिर कभी बना देना प्लीज, जाना। अच्छा बाबा जा रहा हूँ, बाय बाय। यार आज 1 अप्रैल है, कुछ तो करना पड़ेगा। किसको बेवकूफ बनाऊं? ना, एज यूजुअल आदित्य। हेलो हेलो आदित्य, आदित्य आदित्य बड़ी गड़बड़ हो गई है यार। क्यों, क्या हुआ? शेखर का खून हो गया यार। व्हाट, शेखर का खून? हाँ यार। मगर कैसे? नहीं पता, एक काम कर तू शेखर के घर पे पहुंच, मैं भी वहीं पहुंचता हूँ। ठीक है मैं जल्दी आता हूँ। सुनील, सुनील, पुलिस को इन्फॉर्म किया? कैसे हुआ ये सब? मालूम नहीं यार, कल तो मेरे घर आया था, बहुत खुश नजर आ रहा था। फिर क्या हुआ? पता नहीं यार, आज सुबह फोन किया था, बोला कॉलेज साथ चलते हैं। मैं यहाँ आया, देखा तो दरवाजा खुला पड़ा और अपना शेखर मरा पड़ा था। संभाल अपने आप को। कैसे संभालू अपने आप को? इस बेचारे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? होने को कौन टाल सकता है? इसकी शक्ल को देख, इसको देखकर ऐसा लगता है अभी उठेगा, आँख खोलेगा, मुस्कुराएगा और बोलेगा टोनी। ए टोनी। Look at that! तो तुम मरा नहीं? होनी को कौन टाल सकता है बच्चू? Look at him! तुम दोनों भी मिली हो ना इनके साथ? टेंशन मत ले, इससे पहले हम लोग भी ऐसे ही मामू बने। लेकिन टोनी यू आर अ ग्रेट एक्टर, क्या एक्टिंग की यार, पहले तो हम दोनों को डराया और अब आदित्य को। हमारा तो फिर भी ठीक है, लेकिन आदित्य को तो सॉलिड बकरा बनाया। एक बात कहूँ, कभी कभी मजाक में रज़ाक भी लुढ़क जाता है। हे आदित्य, डोंट बी सीरियस, ये मजाक था यार, टेक इट इजी मैन। हर वक्त हर बात पर मजाक अच्छा नहीं होता। अरे यू पीपल एंजॉय, मैं चलता हूँ। व्हाई यू गेटिंग सीरियस? आदे लगता है बुरा मान गया, बट हू केयर। बुरा नहीं माना, डर गया, फट्टू है यार। ओके ओके, इनफ इज इनफ, ओके चेंज द टॉपिक नाउ। मजाक बहुत हो गया, अब हमें चलना चाहिए। मैं तुम दोनों को छोड़ दूं? श्योर। प्रिया कहीं नहीं जा रही है, वो यहीं रुकेगी। ओके ओके, योर चॉइस, सी यू देन, बाय बाय। चलें। क्यों, कैसा लगा हमारा नाटक? मेरी तो सच में जान ही निकल गई थी। हमारे होते हुए तुम्हारी जान कैसे निकल सकती है? मिस्टर ज्यादा पास आने की कोशिश मत करना। क्यों, डर लगता है मुझसे? डर मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारी नीयत से लगता है। चलो नहा लेते हैं। नहीं शेखर, तुम नहा लो, मैं चलती हूँ। अरे यार आज हम दोनों साथ में नहाएंगे। नहीं ना। आओ ना यार। शेखर प्लीज जाने दो ना।
आदित्य व्हाट्सअप मैन, ये पकड़, हम लोग दो मिनट में जरा हल्के होके आते हैं। कृपया अपने दाएं देखिए, कृपया अपने बाएं देखिए, इधर उधर क्या देखता है, नीचे देख। अबे हंस क्यों रहे? अबे जोक पढ़ के हंस रहा हूँ यार, देख लोग भी कैसे कैसे मजाक करते हैं। फिर किधर देख रहा था तू? चल। अरे टोनी, ये क्या यार? अरे ये बर्थडे गिफ्ट है रितु के लिए, आज उसका जन्मदिन है। अच्छा, आज रितु का बर्थडे? हाँ, और ये रितु के साथ घूमने जा रहा है लॉन्ग ड्राइव पर। अरे ये रितु का है? शायद कैंटीन में होगी। ठीक है, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग कैंटीन में जाओ, मैं अभी आता हूँ। ओके बाय, चल बे। हैप्पी बर्थडे रितु। थैंक यू सो मच। हेलो रितु। हाय। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे रितु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ये रहा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। अरे वाह, ये क्या है? थैंक्स सो मच। इस पैकेट में क्या है जरा हमें भी तो खोल के दिखा। नहीं प्रिया, ये गिफ्ट रितु अकेले में देखेगी। ओके ऑलराइट, लेकिन हम कहाँ देखने वाले हैं? जहाँ हम यानी मैं और तुम दोनों जाने वाले हैं। लेकिन कहाँ? ये तो एक सरप्राइज है, बस अपना हाथ मेरे हाथ में दे और चल मेरे साथ। ऑलराइट, लेट्स गेट गोइंग। बाय बाय। बाय बाय। रितु, डोंट बी स्टूपिड। क्या हुआ? हाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हाँ, चली जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं। नो आई वॉन्ट। पहले ये बताओ ये क्या पागलपन है, तुम्हारा हाथ जल जाता, क्या हुआ? चल मी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं जानती हूँ ये सब रितु की वजह से है ना? नहीं, उसने तो दोस्त होने के नाते इतना भी नहीं सही समझा कि मुझे अपने जन्मदिन के बारे में बताए। मुझे विश तक करने का भी मौका नहीं दिया उसने। Come on आदित्य, वो जल्दी में थी, शायद उसे टाइम नहीं मिला होगा। वक्त? अपने दोस्त के लिए क्या दो मिनट का भी वक्त नहीं था उसके पास? Be a good boy, take it lightly. अब प्लीज घर चले जाओ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, तुम जाओ। लेकिन तुम ये पागलपन नहीं करोगे। ओके, नहीं करूँगा, अब जाओ। चलो गुड बाय। तुम कहाँ गायब हो गई थी स्वीटहार्ट? अरे उस आदित्य के बच्चे को समझाने गई थी। आदित्य के बच्चे भी इसी कॉलेज में पढ़ते हैं क्या? क्या शेखर? ओके ओके सॉरी, क्या समझा रही थी? तेरा सर। प्रिया, उसको मेरा सर समझ में नहीं आ सकता क्योंकि मेरा सर यहाँ पर नहीं है, वो क्लासरूम में पढ़ा रहा होगा। तू कभी सीरियस भी हुआ है? होता हूँ ना प्रिया, हॉस्पिटल में। ओ गॉड, तुझसे बात करना बेकार है। कितने बजे तक? अच्छा मैं पहुँचता हूँ। किसका फोन था? दोस्त का एक अर्जेंट काम है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। बता ना कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं प्रिया। आजकल देख रही हूँ तू काफी बातें मुझसे छुपाता है। हाँ? हाँ? देख, अगर मुझे पता चला ना कुछ भी तेरे बारे में तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ? अरे याद रखना। ठीक है बाबा। हेलो,
कहाँ थे अब तक? फिल्म देखने। किसके साथ? शेखर के साथ। अच्छा, अलमारी में बिजली का बिल और पैसे रखें, कल भर देना। जी डैड। आप कहीं जा रहे हैं डैड? हाँ बेटा, मैं दो चार दिन के लिए कंपनी के काम से विजयवाड़ा जा रहा हूँ। अभी निकल रहे हैं? हाँ बेटा, मिस्टर खन्ना गाड़ी लेकर आ रहे हैं। मैं स्टेशन तक चलूँ? उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको कितनी बार बोला है अच्छे लड़कों से दोस्ती करना, आप जब भी देखो शेखर के साथ घूमते रहते हो। वो आ गए हैं, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से रहना। जी डैड, बाय। हेलो। अबे कहाँ है चादर चोर? घर पे हूँ यार। अच्छा तू वहीं रुक, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। अबे क्यों आ रहा है? अबे अभी तो आया था। अबे ना समझ, सोडा विस्की का मैच खेल ले, समझा? अच्छा, मेरे घर को बियर बार समझ रखा है, हैं? अबे चल, तू एक काम कर, तू सोडा मंगा के रखना, साथ में कुछ चकना भी और एक खम्मा भी। तेरी तो। चल भाई। आदित्य। हेलो। हेलो आदित्य, टोनी बोल रहा हूँ। हाँ बोल, क्या बात है? क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बोलना। अच्छा एक काम कर, फटाफट शेखर के घर पे आ जा। कि उसका फिर से खून हो गया? अरे छोड़ ना उस बात को, फटाफट शेखर के घर पे आ जा, मजे करेंगे। अच्छा अच्छा चल ठीक है, मैं आता हूँ। पीने के मामले में टाइम का बड़ा पक्का है तू। मुझे लगा अगर मैं लेट हो गया तो सारी विस्की तू अकेले ही पी जाएगा, क्यों? लेकिन आज इस वक्त तू यहाँ मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। घर में तेरा वो डॉन नहीं है क्या? डॉन गया हैदराबाद 4 दिन के लिए। यानी घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं है। तुझे जो समझना है समझ, चल फटाफट बैग बना। शेखर। आदित्य, बड़े सरप्राइज यार। अबे काहे का सरप्राइज, मैंने बुलाया इसे। ओके। तो तुम दोनों का पीने का प्रोग्राम चल रहा है? हाँ चल बैग बना। नहीं यार, मैं शराब नहीं पीता। पता है पता है, हम लोगों के लिए एक पैक लगा ले आज। नहीं यार प्लीज। अबे कितना भाव खा रहा है यार, इतना बोलने पर तो लड़कियां भी मान जाती है। ये ले, तू तो मर्द है मर्द, चल। बस अब एक पैक पी ले यार, ओनली वन पैक। बस एक? अरे हाँ यार बस एक पैक, ये ले चल। ओके गाइस, चीयर्स फॉर आवर फ्रेंडशिप। तो इसी के लिए बुलाया था तुम दोनों ने? अरे नहीं यार, घर पे कोई नहीं था, मैंने सोचा मस्ती करेंगे। बड़ी कड़वी है यार। अरे यार देख, तूने मुझे कहा था एक ही पैक, मैंने पी लिया। अरे यार वो टोनी की तरफ से था, ये मेरी तरफ से है। ओके लेकिन ये लास्ट है गाइस। अरे यार तूने दोनों के नाम की तो पी ली, लेकिन अपने नाम की तो पी नहीं। अरे हाँ, मैंने तो अपने नाम की पी नहीं। चल ला एक और पैक दे। ये हुई ना बात। यार मुझे एक बात बता, ये तू हमेशा इतना सीरियस क्यों रहता है? किसी लड़की ने टांग दे दी होगी। मुझे भी किसी लड़की का ही चक्कर लगता है, क्यों? नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली मेरा नेचर ही ऐसा है। देख कोई लड़की वड़की का चक्कर है ना, तो अपने दिल की बात डायरेक्ट बोल देनी चाहिए। राइट, डायरेक्ट बोल देनी चाहिए। ठीक है तो मैं अभी जाता हूँ। कहाँ? डायरेक्ट बोल ले। वेरी गुड,
That's the spirit. अभी हमने बोला और अभी ये चल पड़ा। तू डायरेक्ट जाना, डायरेक्ट जाना लड़की के घर और बोल देना। ओके, बाय गाइस। बाय बाय। अब आएगा मजा। लगता है सीधा लड़की के घर जाएगा। फोकट में सूली पे चढ़ा दिया बेचारे को। अरे इतनी रात को कौन हो सकता है? कौन है? दरवाजा खोलो। हाय रितु। आदित्य तुम इस वक्त? आओ अंदर आओ। इतनी रात को कैसे आना हुआ? तुझे अच्छा नहीं लगा? नहीं वो बात नहीं है। रितु मुझे तुझसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। क्या बात करनी है? डायरेक्ट। लगता है तुमने शराब पी रखी है। अरे नहीं वो तो शेखर और टोनी ने मुझे डायरेक्ट पिला दी। डायरेक्ट। तू एक अच्छे घर का लड़का है और तुझे शराब नहीं पीनी चाहिए। अगर तू बोलती है तो आज से शराब बंद। मेरी इतनी फिक्र करता है तू? हाँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुझसे दोस्ती रखना चाहता हूँ। डायरेक्ट। हम ऑलरेडी दोस्त हैं आदित्य, मुझे लगता है अब तुम्हें घर जाना चाहिए। एकदम डायरेक्ट। और पहले दोस्ती, और वो भी ऐसी वैसी नहीं। तो कैसी दोस्ती? एकदम डायरेक्ट दोस्ती। मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ और तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। ओके आदित्य, तो आज से तू मेरा सच्चा दोस्त है, एकदम डायरेक्ट। हाँ ये हुई ना बात। क्या ये सच्चा दोस्त मेरी एक छोटी सी बात मानेगा प्लीज? हाँ बट डायरेक्ट, दोस्ती में नो प्लीज नो सॉरी। ठीक है अब तू सीधा घर जाएगा, अंडरस्टैंड? यानी कि डायरेक्ट गुड नाइट? हाँ हाँ डायरेक्ट गुड नाइट। चलो जरा ध्यान से। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे हाँ यार। Hey, 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 hi. Hi. कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ओके, बाय। या बाय। यार ये क्या फालतू की बुक्स पढ़ती रहती हो तुम? हाँ इडियट, ये फालतू बुक नहीं, हिप्नोटिज्म की बुक है। अच्छा क्या मिलता है पढ़कर? इसे कोई भी इंसान पढ़कर हिप्नोटाइज करना सीख जाता है। तो तुमने पूरी पढ़ ली? हाँ। तो तू किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती है? ऑफ कोर्स। अच्छा तो कविता को करके दिखा। ओके, तू डरेगी तो नहीं? नहीं मैं नहीं डरती। ठीक है चल अपनी आंखें बंद कर। अब मैं जो बोलती हूँ मेरे पीछे पीछे दौरा और साथ ही साथ इमेजिन कर, कल्पना कर। ओके। तेरा नाम कविता नहीं सरिता है। हाँ सरिता है। तू एक जंगल में फंस गई है। मैं फंस गई हूँ। चारों तरफ अंधेरा है। अंधेरा है। इतने में जोर से बिजली की आवाज आ रही है। बिजली कड़क रही है। अब तेज बरसात शुरू हो चुकी है और अब तू भीग रही है। मैं को ऐसा लग रहा है मैं सचमुच भीग रही हूँ। इसको कहते हैं हिप्नोटिज्म। अब आप खोल ले। प्रिया की बच्ची तूने मुझे पागल बना दिया। You know what, प्रिया? Awesome. You are genius. चलो मैं आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? कपड़े बदलने करने। पता नहीं कहाँ ये लोग। Not reachable. Switch off. इसकी तो राहुल। हाँ
आदित्य शेखर को देखा गया? नहीं यार। अच्छा ए सागर, रितु को कहीं देखा है क्या? नहीं यार। पता नहीं कहाँ चलेगी। मालूम नहीं। अच्छा चल ठीक है, ठीक है चल भाई, चल भाई। पता नहीं कहाँ चले गए सबके साथ। मैं तो सिर्फ तुझे एक दोस्त समझती थी, मगर मैं तुझे दिल की गहराइयों से प्यार करता हूँ। बहुत चाहता हूँ मैं तुझे। मैं तेरे दोस्त की अमानत हूँ आदित्य। मगर तू मेरे दिल की अमानत है। तू अपने दोस्त को धोखा दे रहा है। तू अपने आप को धोखा दे रही है। तू भी मुझसे प्यार करती है। नहीं आदित्य, छोड़ दे मेरा हाथ। मेंशन नॉट, ये देख मोहब्बत का सबूत। मुझे आज छोड़ने के लिए कहती है और खुद मुझे अपनी बाहों में जकड़ रखा है। वाह आदित्य वाह, तूने तो कमाल कर दिया। इतनी अच्छी एक्टिंग तो टोनी भी नहीं कर सकता। थैंक यू। मतलब कि टोनी का रोल अब ये करेगा? आई स्वेर, कितनी रियल फीलिंग्स थी तेरे डायलॉग्स में आदित्य। एंड एक्सप्रेशंस वर एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। डन, अब ये रोल आदित्य ही करेगा। थैंक यू। इसे नाटक में रोल समझ के करना, झोल समझ के मत करना, वरना टोनी बुरा मान जाएगा, समझे? डोंट वरी, ये तो नाटक की शुरुआत है, अंत तो अभी बाकी है। उम्मीद है अंत भी अच्छा ही होगा। चल प्रिया, चलते हैं। ओके गाइस, कल रिहर्सल यही होगी। बाय, सी यू। बाय 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 बाय, सी यू। चलो हम भी चलते हैं। एक्चुअली रितु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो ना बाहर चलते हैं। चलो। ओ रितु, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या बात करना चाहते हो? एक्चुअली कल रात को जो मैंने मिसबिहेव कर दिया था, उसके लिए आई एम सॉरी। दैट्स परफेक्टली ओके। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि तुम कल नशे की हालत में थे और सब डायलॉग बाजी कर रहे थे। अच्छा दोस्त हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इट्स ओके। रितु प्लीज मजाक मत उड़ा। मैं नशे में जरूर था, लेकिन मैंने कुछ झूठ नहीं कहा था। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी मैं नशे में नहीं हूँ। तो रितु, मैं अभी यही कहता हूँ कि मैं ही तेरा सच्चा दोस्त हूँ और तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? सोच ले। अगर तुझे शक है तो आजमा के देख ले। ऑलराइट, तो आज कॉलेज के बाद मेरे घर पे आ जाना। आज तेरी दोस्ती का इम्तिहान लेके देखूंगी। बोल मंजूर है? हाँ मंजूर है। तो मैं चलती हूँ। हाँ ओके ओके बाय। हाय टोनी। हाय। आज कॉलेज नहीं आया? मैं कॉलेज आया था, तुम लोग का मोबाइल भी ट्राई किया, अगर वो भी स्विच ऑफ था। अरे हम लोग तो कॉलेज में थे यार। मैंने पूरा कॉलेज और कैंटीन दोनों छान मारा, मगर तुम में से कोई भी नहीं था। हम ऑडिटोरियम में थे, शायद वहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ता। ऑडिटोरियम में क्यों? नाटक की रिहर्सल कर रहे थे यार। एक बात बोलूं, आदित्य ने तो तेरा पता साफ कर दिया है। तेरी एक्टिंग उसने की, और क्या एक्टिंग करता है यार, सब लोग इंप्रेस हो गए वहां पे। क्या बात है, आज तू आदित्य की बहुत तारीफ कर रहा है, लगता है तू भी काफी इंप्रेस हो। अबे मेरी छोड़, रितु तो मुझसे भी ज्यादा तारीफ कर रही है उसकी। अच्छा, मुझे लगता है एनुअल डे तक आदित्य रितु को पटा ही लेगा। नहीं, मुझे लगता है कि तू इस आदित्य का कुछ सोच, वरना कहीं मेरा शक हकीकत में ना बदल जाए। सोच लिया? क्या सोच लिया? तू आदित्य के घर चल। क्या करने? उसे रास्ते से हटाने के लिए। हाय रितु। आओ आदित्य, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं। क्या तुम अकेली चेस खेलती हो? हाँ, इसलिए ना अभी तक हार पाई हूँ और ना जीत पाई हूँ।
क्योंकि कुछ खेल ऐसे होते हैं जिसमें दो आदमी का होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि तुम्हें दूसरे खिलाड़ी की जरूरत है। जरूरत तो है आदित्य, मगर हर किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। नहीं नहीं, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। अभी नहीं, इसके लिए तुझे एक इम्तिहान देना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। ये लो आदित्य। ये क्या है? सच्चे दोस्त कभी सवाल नहीं पूछा करते हैं। ओके, ठीक है। पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। अब मैं तीन तक गिनूंगी और तू गोली चलाएगा। Am I clear? ठीक है। One, two, three. गोली चला आदित्य। आदित्य गोली चला। चलाओ गोली आदित्य। आदित्य गोली चला। गोली चला आदित्य। पट्टी खोल के पसीना पोंछ ले। गोली चलाना तेरे बस की बात नहीं। रितु, तुम पर गोली तो क्या मैं नाजुक फूल भी नहीं मार सकता, लेकिन ये बात तेरे समझ में नहीं आएगी। तू देखना चाहती ना मैं गोली कैसे चलाता हूँ? अब देख। ये रिवॉल्वर नकली है, मगर तू पास हो गया। मुझे यकीन हो गया है कि तू ही मुझे उस प्रॉब्लम से निकाल सकता है। कैसा प्रॉब्लम? मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ जो मैं बता भी नहीं सकती, लेकिन तू उस मुसीबत को सॉल्व कर सकता है। तो मुझे क्या करना होगा? एक आदमी का खून। What? You mean murder? हाँ, क्या तू मेरे लिए खून कर सकता है? लगता है कि तू मजाक कर रही है। मजाक तो तू समझता है दोस्ती को। अगर तू सीरियस है तो मेरी बात सुन। तेरे लिए एक तो क्या मैं हजार खून कर सकता हूँ। थैंक्स आदित्य, थैंक्स। अब कब और किसका खून करना है ये तू मुझे बता देना। अब मैं चलूं? मैं तुम्हें फोन करूंगी, तैयार रहना। बाय बाय। आखिर रितु किसका खून कराना चाहती है? अरे टोनी, शेखर, व्हाट अ सरप्राइज यार। क्या बात है? लुकिंग टेंस। तू रितु से दूर रहना, समझा? क्यों, क्या हुआ? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी हो सकता है। कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। नहीं, तू किसी भी गलत फहमी में मत रहना। मैं मेरे और रितु के बीच में किसी भी दूसरे आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। देख टोनी, मैं और रितु सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, ओनली गुड फ्रेंड्स। इससे ज्यादा हमारे बीच और कुछ नहीं है, समझा? ओनली गुड फ्रेंड्स? तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? तू जानता है सच क्या है? तो फिर आज कॉलेज में क्या था? ओ माय गॉड, अरे वो तो एक नाटक था यार। वो सब नाटक था? ऑफ कोर्स नाटक था यार। तो ये भी नाटक था? क्या मतलब? हम मजाक कर रहे थे। और तू, लुक एट यू, तू तो सीरियस हो गया यार। कम ऑन यार, कैसा मजाक करता है यार। चल अब छोड़ यार, तू आराम से किताब पढ़, हम लोग निकलते हैं। टेक इट इजी, चल भाई, चल बे, चल। रितु, हेलो। कितना टाइम हुआ आदित्य? हाँ 9:30 बजे। क्या हुआ? ठीक है,
10 बजे तुम मेरे घर के बाहर आ जाना, मैं तुझे वहीं मिलूंगी। ठीक है, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। बहुत पाबंद हो तुम आदित्य, और ऐसे इंसान की मैं कदर करती हूँ, लेकिन कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। तो ये लो। अब ये बताओ कि खून किसका करना है? ये सब तुम्हें वक्त आने पे अपने आप पता लग जाएगा। फिलहाल जल्दी चलो यहाँ से। Come on, hurry up. एकदम होशियारी से आदित्य, तुम यहीं रुको, जब मैं इशारा करूं तभी अंदर आना, ओके? ओह माय गॉड, ये तो टोनी है। इसका मतलब तुमने मेरे हाथों से टोनी का खून करवा दिया। मैंने कहा था ना, सवाल नहीं पूछोगे। इसका मतलब तुम टोनी से प्यार का नाटक कर रही थी? हाँ, मैं नाटक कर रही थी। लेकिन क्यों? मैं तुमको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इस लाश को ठिकाने लगाओ, वरना यहाँ कोई भी आ सकता है। चलो उठाओ इसे, उठाओ इसे, संभल के। आराम से। संभल के आदित्य, संभाल के। कोई देख ना ले। जल्दी चलो, कोई देख लेगा। ऊपर करो, जाने दो, चल निकाल, चलो 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 निकलो जल्दी। ए थांबा थांबा, रोका, ए चेक करो। जी साहब। गाड़ी का नंबर नोट करो, चलो जाने दो इसको, जाने दो जाने दो।
ए, चलो डिग्गी खोलो। क्यों, क्या बात है सर? Put down. अच्छा हुआ लास्ट टिकी मैंने रखी। हाँ यार। क्या हुआ? लगता गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गया। मैं भी बाहर जाके देखता हूँ। प्लीज जल्दी कुछ करो। ओके ओके। खुश। लगता है कोई बड़ी प्रॉब्लम है। मैकेनिक को बुलाना ही पड़ेगा। ओह माय गॉड, अब इतनी रात को मैकेनिक कहाँ मिलेगा? मैकेनिक तो सुबह ही मिलेगा यार। लगता है रात यहीं कहीं गुजारनी पड़ेगी। शिट। चलो। उफ्स। उफ्स, संभाल के। बड़ा ही भयानक जंगल है आदित्य। कोई जंगली जानवर आ गया तो? तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। अब तू बताएगी या मुझे पूछना पड़ेगा? क्या, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों मारा उस बेचारे टोनी को? टोनी टोनी बेचारा नहीं था। तुम्हें याद है ना मेरा जन्मदिन? हाँ। उस दिन टोनी मुझे घुमाने के बहाने शेखर के घर ले गया और उस दिन मेरे साथ अब तो बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? It's a surprise. Hey, बोलो ना। Hey, ये कहाँ गए? हाय रितु। अरे शेखर, तू? हाँ, यहीं तो रखी है तुम्हारे बर्थडे की सरप्राइज पार्टी। अच्छा? हाँ? Come on in, guys. Let's get in. लेकिन तुम तो कॉलेज में थे। हाँ, वो टोनी का फोन आ गया इसलिए मैं तुम लोगों से पहले पहुंच गया। अरे हाँ शेखर, बाकी के अरेंजमेंट्स हो गए? जो कुछ तूने बोला था वो सब वैसे ही अरेंज हो गया। अब तुम लोग एंजॉय करो, मैं निकलता हूँ। बाय। चलो। ये शेखर किस अरेंजमेंट की बात कर रहा था? अरे वो ऐसे ही। पर शेखर चला क्यों गया? आ जाएगा डार्लिंग। शेखर को रुकना चाहिए था। It's my birthday after all. अब ये गिफ्ट खोलो। Sure. क्या है इसमें? लाओ मैं हेल्प करता हूँ। Oh my God! It's such a beautiful dress. Thank you. तो अब ये चेंज करके तो दिखाओ। यहाँ, यहाँ पर नहीं। No problem. अंदर जाके चेंज कर लो। All right, I'll just come back. और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं टोनी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। थोड़ी देर के लिए तो मैंने तुझे बहुत गलत समझ लिया था। पता नहीं उस दिन मैंने तुझे क्या क्या बोल दिया था। कोई बात नहीं, अब मुझे खुशी है रितु कि मैंने तेरा साथ दिया था। मुझे माफ कर दे रितु। नहीं आदित्य,
माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैं तेरे सच्चे प्यार को नहीं पहचान पाई। उस रात नशे की हालत में मैंने तेरी आंखों में जो सच्चा प्यार देखा, तभी मुझे पता चला कि तू मुझे कितना चाहता है। आई लव यू। आई लव यू टू रितु। ख्यालों में हम इस तरह खो गए कि पता ही नहीं लगा इतनी रात बीत गई। आज ये नज़ारे कितने हसीन लग रहे हैं। आसमां के सितारे जमीन पे चमक रहे हैं। मैकेनिक को लेकर आता, ठीक है? लेकिन जल्दी आना। शेखर बेटा, मैं टोनी का फादर बोल रहा हूँ। यस अंकल, बोलिए। टोनी कहाँ है? मालूम नहीं अंकल, आज तो कॉलेज भी नहीं आया। घर की सब चीजें बिखरी पड़ी हैं, दरवाजा खुला है और उसका कुछ पता नहीं। यहीं कहीं होगा, आप उसके मोबाइल पर ट्राई कीजिए अंकल। मोबाइल की घंटी बज रही है मगर वो फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। अच्छा, अगर तुम्हें मिल जाए तो अर्जेंट मेरे को फोन करने के लिए बोलना। ओके अंकल। हो सकता है बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने गया हो, बॉक्सिंग ग्लोव चेक करके देखता हूँ। मिस्टर डेविड। हाँ पीटर,
हाँ हाँ आप काफी परेशान लग रहे हैं। हाँ मैं टोनी के लिए परेशान हूँ। उसे कहीं देखा है? हाँ रात को एक लड़का और लड़की यहाँ आए थे। टोनी उनके साथ बाहर जा रहा था। ओह माय गॉड पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पुलिस को? जी हाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। यस चलो। हाय शेखर। ओ हाय बड़े सरप्राइज आज सुबह सुबह वो भी मेरे घर पर। तुझे तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? 5 और 20-25 मिनट। क्या 25 मिनट? क्यों? 20 मिनट रोमांस करने में और 5 मिनट तैयार होने में। ये बात तू मुझे अब बता रहा है? अरे यार जब तू सामने आती है ना तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। शेखर मजाक छोड़ हमें उन दोनों को ढूंढना चाहिए। आखिर वो हमारे दोस्त है यार। तू ठीक कहती है यार मुझे भी कुछ तो गड़बड़ लग रही है। एक मिनट रुक मैं आदित्य को फोन लगाता हूँ शायद उसे कुछ मालूम हो। क्या हुआ? नॉट रीचेबल। तू जल्दी से शर्ट पहन ले हम कॉलेज जाके देखते हैं। ओके चल। अरे यार पता नहीं यार क्या हो गया वो गाड़ी चालू थी अचानक वाइब्रेट हुई और फिर बंद हो गई। चलिए देखते हैं। और पता नहीं चला सेल्फ मार रहा था वाइब्रेट हो रही थी। स्कॉर्पियो है यार। अच्छा अच्छा कहाँ पे? ये इस तरफ जंगल में फंसी है गाड़ी। यहाँ पे लेफ्ट में। स्टॉप सो सर ये पाकिट मारे। चलो बंद कर दो इसको। चल, चल। कल रात से मेरा बेटा गायब है सर। फोटो लाए उसका? हाँ। अच्छा देखता हूँ मैं। हवलदार के पास जाके रिपोर्ट लिखवा दो। ओके सर। ओके सर चलो। बैठिए बोलिए साहब क्या रिपोर्ट लिखानी है। जब मैं टूर से वापस आया तो मेरे घर का मेन डोर खुला हुआ था और सामान पूरा बिखरा हुआ था और मेरा बेटा भी गायब था। आपको किसी पे शक है? साहब कल रात को टोनी के घर एक आदमी आया था। आधे घंटे तक वो घर में रुका और उसके बाद वो साहब चला गया। आप उसका फोटो लाए हैं? लाया हूँ साहब। दिखाइए। ये देखिए। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए। मैंने रिपोर्ट तो लिखी ली है जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको फोन करेंगे। ओके सर। ये रहा मेरा कार्ड। ठीक है जैसी कोई खबर मिलेगी आपको कॉल किया जाएगा। थैंक यू सर। चल यार कितना वक्त लगेगा और क्या मुसीबत है? क्या गड़बड़ है यार? पाइप में कचरा है साहब। शिट यार और कितना वक्त लगेगा? हो गया सेल्फ मारिए सर। हो गया? हाँ स्टार्ट कीजिए। ओह गॉड थैंक गॉड। रितु चलो अभी। सब पैसे कितना हुआ? 200 रुपया सब। वाह क्या करेगा सब महंगाई है। अरे यार कहाँ रख दिया बटवा? कहाँ था? ये रहा मिल गया। ये ले भाई तेरे 200 रुपए बस। थैंक गॉड चलो अब चलो। हाँ बाबा चलो। मिस्टर डेविड पेशेंस रखिए कुछ नहीं होगा। हाय अंकल। गुड मॉर्निंग अंकल। आप कैसे हैं अंकल? टोनी का कुछ पता चला क्या? नहीं हमने भी उन्हें हर जगह ढूंढ लिया मगर वो कहीं नहीं मिले। पता नहीं कहाँ चला गया। अंकल आदित्य और ऋतु भी अपने घर पर नहीं है। टोनी को ढूंढने हम उनके घर भी गए थे। अगर वो कहीं जाता था तो मुझे बता के जाता था। मैंने उसको कभी नहीं रोका। मैं हमेशा एक ही बात बोलता था अच्छे लड़कों से दोस्ती करो और आवारों से दूर रहा करो उनसे मत मिलो। लेकिन उसने मेरी बात कभी नहीं सुनी। जब बाप बनेगा तब उसको पता चलेगा कि बेटे का दर्द क्या होता है।
डोंट वरी मिस्टर डेविड, सब ठीक हो जाएगा। गॉड इज ग्रेट। शेखर चले? प्रिया तू जा, मैं यही हूँ अभी अंकल के साथ। ठीक है तो मैं चलती हूँ। अगर टोनी का फोन आ गया तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म कर देना। ओके बाय अंकल। बाय। न जाने कहाँ चला गया। आदित्य हाँ? हम इस लाश को कब तक ढूंढते रहेंगे? बस कुछ ही पल जाने। इसे बहुत जल्द ठिकाने लगाना पड़ेगा। वही तो करने के लिए आए। नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। हाँ। क्या हुआ? लाश को ठिकाने लगाने जा रहा हूँ, जगह देख लेता हूँ पहले। यहाँ क्यों रोक दी गाड़ी तुमने? उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं मिल सकती। हाँ सुनसान तो लग रही है। चला गया ये। Gosh, it's so scary. चुपचाप अंदर आ जाओ, कोई होशियारी नहीं। चल ओ भाई साहब, क्या बात है, गाड़ी खराब हो गई क्या भाई साहब? अरे भाई साहब आपसे बात कर रहा हूँ भाई साहब। भाई ये तो लाश है 7882। पुलिस को फोन करना चाहिए। हेलो बंजारा हिल पुलिस स्टेशन। साहब यहाँ गाड़ी में एक लाश पड़ी है। गाड़ी का नंबर क्या है? 7882। कौन हो तुम? हेलो 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 हवलदार। जी सर। गाड़ी निकालो। ओके सर। चलो चलो। महेंद्र सिंह तुम भी चलो। यस सर। रुको रुको गाड़ी रुको।
रहो। गाड़ी का नंबर तो यही है, सावधानी से, लगता है कोई पीछे बैठा है। जी सर। हवलदार। यस सर। गाड़ी को चारों तरफ से घेर लो। यस सर। यू आर अंडर अरेस्ट, हमें पता चल चुका गाड़ी में लाश है। मेरे तीन गिनने तक तुम बाहर आ जाओ, नहीं तो मुझे गोली चलानी पड़ेगी। 1 2 3। हवलदार, अरेस्ट हिम। यस सर। गो। आओ, तुम उधर से जाओ। संभाल के। सर, ये तो मर चुका है। व्हाट? चेहरा कुछ देखा हुआ लगता है। ये तो वही है जिसका हमने कल फोटो देखा था। कोई इसको मार के यहाँ डाल गया और गाड़ी भी खुली छोड़ गया। गाड़ी को पुलिस स्टेशन लेकर आओ। यस सर। सावन, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और गाड़ी पुलिस स्टेशन ले आना। ठीक है सर। हवलदार, डेविड को फोन करो। जी सर। हेलो। हेलो, हाँ, मैं हवलदार महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। यस ऑफिसर। हमें जंगल में एक डेड बॉडी मिली है, उसे आइडेंटिफाई करना है। क्या वो मेरे बेटे की डेड बॉडी है? हमें शक है वो किसी और की हो सकती है, पर फिर भी आप जल्दी पुलिस स्टेशन चले आइए। ओके, हम अभी निकलते हैं। चलो पीटर। ओके। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, ठीक है? और डेविड को मैं हॉस्पिटल में ही भेजता हूँ। यस सर। आओ। चुप। सच सच बोलो, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हमारे हाथों से एक खून हो गया था और हम यहाँ लाश को छुपाने आए थे। किसका खून और लाश कहाँ है? टोनी का खून हो गया था और उसकी लाश वहाँ गाड़ी में पड़ी। क्यों किया उसका खून? क्योंकि उसने मेरा रेप किया था और उसी का बदला लेने के लिए हमने उसका खून कर दिया। आखिर जंगल में कब तक भागती रहोगी? जुर्म किया है, सजा तो मिलनी चाहिए। चलो मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। हेलो, बंजारे हिल पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर, तुम्हारे दो मुजरिम मेरे पास हैं। व्हाट? आपका एड्रेस क्या है? अल्बर्ट हाउस। अल्बर्ट हाउस? पूरा एड्रेस बताइए। आपका नाम बताइए। फोन बंद कर। हेलो, मैंने कहा फोन रख, नहीं तो गोली मार दूंगा। चल रे तू। हेलो हेलो हेलो, वहीं रुकना, आगे मत बढ़ना। आगे देखो, नहीं तो गोली मार दूंगा मैं। रुक वहीं। आखिर कहां तक भागेगा तू? क्या हुआ? सर, अल्बर्ट हाउस से फोन था, कुछ मुजरिम वहां छुपे हुए हैं, हमें फौरन वहां जाना चाहिए। आई सी, कम ऑन। कम ऑन सर। चलो जल्दी। आदित्य जल्दी करो। हाँ। लेकिन हमने किया क्या है? पुलिस स्टेशन चलो, सब पता चल जाएगा तुमने किया क्या है। चलो। ये मैं बताता हूँ। सही मौके पे आया ऑफिसर। तुम कौन हो? मैंने ही फोन किया था आपको। अच्छा, तो आप हैं वो? जी। कानून की मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम अल्बर्ट है। मिस्टर अल्बर्ट, थैंक यू फॉर योर फोन कॉल। सर, आप तो जानते ही हैं, कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी, उसके लिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। चलिए आइए। कम ऑन, टेक इट। कम। चलो। कम। चलो। चलो अपनी सही जगह पर।
रिवॉल्वर, इन दोनों को लॉकअप में डाल दो। ठीक है साहब, चलो अंदर। मिस अल्बर्ट, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, तब तक मैं पेपर तैयार कर लूं। बैठिए, आइए साहब। मिस्टर नायर जी, उन दोनों को बुला के लाओ। यस सर। ऑफिसर। यस सर। ए होल्डर, जो क्या आदमी है, इसको जरा कम करो। जी सर। टोनी का खून किसने किया? सर सर, हमने। तुम दोनों ने? जी हाँ। तुमने उसका खून क्यों किया? टोनी और शेखर ने तुम्हारा रेप किया और उसका बदला लेने के लिए तुमने उसका खून कर दिया। वेरी इंटरेस्टिंग। मिस्टर नायर, इन दोनों को लॉकअप में डालो, ले जाओ। ये शेखर वही लड़का है ना जो डेविड के साथ था? हाँ साहब, ये वही लड़का है। फोन करो उसको। यस सर। हेलो, मिस्टर डेविड। बोलिए। वो क्या है कि हमने टोनी के कातिलों को पकड़ लिया है, आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। क्यों नहीं, मैं अभी आता हूँ। आप एक काम और कीजिएगा, मिस्टर शेखर को अपने साथ लेते आइएगा, उनका स्टेटमेंट लेना है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। ओके, कम फास्ट। हवलदार। यस सर। अल्बर्ट को यहाँ बुलाओ। जी साहब। मिस्टर अल्बर्ट, आपको साहब ने बुलाया। ठीक है, चलिए। मिस्टर अल्बर्ट, कानून की मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और कितना टाइम लगेगा सर? बस पेपर पे आपका साइन ले लेता हूँ, उसके बाद आप जा सकते हैं। हवलदार। जी सर। इनके पेपर तैयार हो गए? यस सर। आप जाइए मिस्टर अल्बर्ट, पेपर पे साइन कर। ओके सर, थैंक यू। आइए सर। सारे काय ना खेला आ रहे हो। हम यहाँ इधर पर। मिस अल्बर्ट, पेपर साइन कीजिए, यहाँ नीचे। इंस्पेक्टर साहब कहाँ है वो? सर, कहाँ है मेरे बेटे के कातिल? मैं उनको देखना चाहता हूँ। उधर लॉकअप में। मिस्टर पीटर। यस सर। आप रुकिए, आपको कुछ पेपर्स पे साइन करने हैं। हाँ जी। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। ठीक, ऐसे भी बहुत देर हो गई है। साहब, उस रात ये भी टोनी के घर आया था। ये झूठ बोल रहा है साहब, मैं किसी टोनी वोनी को नहीं जानता, इसे गलत फहमी हो गई है। नो सर। रुकिए रुकिए, आर यू श्योर यही था? आई एम श्योर सर, यही था। मेरा यकीन कीजिए सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। देखिए मिस्टर अल्बर्ट, अगर आप बेगुनाह हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, फिर भी जब डाउट हो गया है तो क्लियर करना जरूरी है। हवलदार। यस सर। डेविड को बुलाओ। ओके सर। क्या आप इसे जानते हैं? ये मेरा नालायक भाई है सर। व्हाट? हाँ। तुम तो कह रहे थे अल्बर्ट कि तुम टोनी को नहीं जानते हो। हवलदार, गिरफ्तार करो इसे, ले जाओ। आप मेरे साथ चलिए। मुझसे पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए कहीं इसने तो नहीं टोनी का खून कर दिया? चलो अंदर। पीटर, मुझे अल्बर्ट पर ही पूरा का पूरा शक हो रहा है, कहीं इसी ने तो नहीं। मिस्टर अल्बर्ट, तुम्हारा प्लान पूरा उल्टा हो गया। मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूं, 2 मिनट के बाद
तेरी जुबान पर सिर्फ सच होना चाहिए, क्योंकि मेरा नाम इंस्पेक्टर तलाशकर है और सच इंसान के जिस्म में चाहे किसी हिस्से में हो, मैं पोस्टमार्टम करके तलाश कर लेता हूं, इसीलिए लोग मुझे तलाश कर कहते हैं। लगता है अब मैं इनके चक्रव्यूह में फंस चुका हूं, अब तो मुझे इन्हें सच सच बताना ही पड़ेगा। तुम्हारा नाम एल्बर्ट डिसूजा, हवलदार लिखो। यस सर। डेविड डिसूजा मेरा बड़ा भाई है, एक दिन मैं उससे मिलने उसके घर गया था। यस प्लीज। किससे मिलना है आपको? डेविड से। पापा तो कुछ काम के लिए हैदराबाद गए हैं। आइए अंदर आइए। कुछ खास काम था? हाँ, उनका कुछ कर्ज बाकी था मुझ पर। वो तो नहीं है। चलो तुमसे हिसाब करना पड़ेगा। हिसाब? कैसा हिसाब? दरअसल मैं तुम्हारा अंकल लगता हूँ, लेकिन तेरे पैदा होने के बाद तेरे बाप ने मुझे इस जायदाद से बेदखल कर दिया। लेकिन डैड ने तो मुझे कभी नहीं बताया कि मेरे कोई अंकल भी हैं। वो कमीना इस जायदाद को अकेला हड़पना चाहता है। हमीश से बात कीजिए, वो मेरे डैड हैं। चुप! बड़े बोलते हैं तो बच्चों को सुनना चाहिए, सीख मिलती है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, इस जायदाद से मुझे बेदखल करके तेरे बाप ने मुझे धक्के मार के निकाला था। मेरे आने से पहले तू क्या कर रहा था? सो रहा था। तो सो जा, चैन की नींद सो जा, क्योंकि अगर तू जिंदा है तो ये जायदाद मुझे नहीं मिलने वाली। What nonsense! इसीलिए तेरा मर जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आदित्य तुम यही रुको, जब मैं इशारा करूं तभी आ जाना। तो फिर इन दोनों को तूने क्यों पकड़ रखा था और पुलिस की मदद करने का नाटक क्यों किया? जब मैं टोनी को मारकर उसके घर से बाहर निकल रहा था, ये लड़का और लड़की टोनी के घर के अंदर आ पहुंचे, उसके बाद ये जंगल में मिले। मुझे लगा ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मैंने इनको पकड़ लिया। तब पता चला कि इन दोनों ने मिलकर उस लाश को गोली मार दी और ये सोचा कि इन्होंने खून किया है, मेरा काम आसान हो गया। मैंने उन्हें पकड़ कर पुलिस को फोन कर दिया, फंसा दिया। हाँ, हर खूनी अपने आप को बहुत चालाक समझता है, मगर एक दिन पकड़ा जाता है। तुम्हें वहां से निकलते हुए पीटर ने देख लिया था। हवलदार। यस सर। इन दोनों को बाहर लेके आओ। ठीक है सर। मिस्टर डेविड, कातिल का पता चल गया है। कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। भाई है तो क्या हुआ, उसको सजा मिलनी चाहिए सर। ओके, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, यू कैन गो नाउ। थैंक यू। थैंक यू सर। आप दोनों मेरे साथ बाहर आइए। जी। बैठो। थैंक्स। हवलदार, शेखर को बुलाओ। जी सर। ए, चलो, तुम्हें साहब ने बुलाया। चल। साहब, ये शेखर है। क्या रे,
तूने और टोनी ने मिलकर इसके साथ? नहीं सर, हमने इसका रेप नहीं किया है सर, ये झूठ बोल रही है। मैंने तो अभी तक रेप का नाम ही नहीं लिया और तू झूठ बोलना शुरू हो गया। हवलदार जी, इसको ले जाओ, बंद कर दो। अब बता दो तुझे रेप रिमांड लो इसका, कमीना। अब पता चलेगा तुझे। और तुमने क्या समझा है, कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करे तो उसका खून कर दोगे? क्या नाम है बे तेरा? शेखर। पूरा नाम बोल। बाप का नाम तेरी माँ बोलेगी क्या? शेखर राजन। शेखर, लड़कियों का रेप करते हो तुम? सर वो लड़की झूठ बोल रही है सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। अभी तेरे कपड़े उतारूंगा ना तो सब सच सच बोलेगा। बोल, है? बोलेगा ना, उतार कपड़े। सर, कपड़े खोलता या नहीं खोलता? खोल, खोल। तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए थी। अब की बार छोड़ रहा हूँ, फिर कभी कानून को अपने हाथ में मत लेना। अब तुम दोनों जा सकते हो। थैंक यू सर। बाय।